फ्रेंड्स अगेन हम देखेंगे यहाँ पर एसएससी प्रीवियस ईयर्स के कुछ वर्ड्स जो एसएससी ने पूछे हैं पीछे एग्जाम के अंदर। तो हमारा पहला जो वर्ड है वो है रेटिन्यू। क्या वर्ड है? रेटिन्यू। जस्ट ए सेकेंड। रेटिन्यू, रेटिन्यू वर्ड का मतलब होता है सेवकों का दल। तो आपको साथ साथ में याद करवाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर जो हिंदी मीनिंग जो है वो नहीं लिख रहा हूँ। इसको क्या लिखना है? सेवकों का दल। तो मैं पूरा हिंदी मीनिंग नहीं लिखूंगा, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो आपको एक बार 10 तक वर्ड जो लिखता हूँ तब तक आपको याद रखना है। ब्लिंक, ब्लिंक वर्ड का मतलब होता है पलक चिपकना। नंबर 3 आपका वर्ड है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब होता है इस्तेमाल करना, छोड़ देना। नंबर 4 आपको 5 तक वर्ड बता के एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मैं किस तरह से आपको याद करवाने वाला हूँ। इम्फेसाइज, इम्फेसाइज में तो किसी बात पर जोर डालना। एक इम्फेसाइज या इम्फेटिक नाम से आपका क्या होता है? प्रोनाउन होता है जिसका मतलब जोर डालना होता है। नंबर 5 वल्नरेबल, कमजोर या असुरक्षित, तो वल्नरेबल कहते हैं। क्या? वल्नरेबल। अब जैसे कि मैंने ये 5 वर्ड लिखे हैं तो मैं 5 का फिर से आपको रिवाइज करवाऊंगा। इस तरह से मैं आपको जो है वो तैयारी करवाता रहूँगा। फिर से, रेटिन्यू का मतलब होता है सेवकों का दल, जो सेवक सेवा करते हैं उनका जो ग्रुप होता है उनको रेटिन्यू बोलते हैं। और ब्लिंक, ब्लिंक का मतलब होता है प्लग चिपकना या आँख मारना। डिस्कार्ड का मतलब होता है, डिस्कार्ड का मतलब होता है इस्तेमाल करना, छोड़ देना। इम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात पर जोर डालना। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर या असुरक्षित। सेवकों का दल, और क्या? पलक झपकना, इस्तेमाल करना, छोड़ देना, ठीक है, किसी बात पर जोर डालना। वल्नरेबल यानी कि कमजोर, असुरक्षित। तो जिस तरह से मैंने इन 5 का आपको रिवाइज करवाया है वैसे ही मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। नंबर 6 हम देखेंगे। नंबर 6, नंबर 6 में है हमारे पास वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी, एमनेस्टी वर्ड का मतलब होता है समाधान, समा या सजा में समा जो मिलती है, माफ़ी जो मिलती है उसको कहते हैं। उसके बाद है वेल बींग। वेल बींग वर्ड का मतलब क्या होता है? कुशलता। वेल बींग का मतलब होता है कुशलता, यानी कि अच्छा। जैसे हम किसी से पूछते हैं हाउ डू यू डू या हाउ आर यू, सो वो कहते हैं वेल बींग, सब कुशल मंगल है। उसके बाद वर्ड आता है आपका JENO, JENORO SITY, जेनरोसिटी, उदारता को कहते हैं। किसको कहते हैं? उदारता। नंबर 9 आपको इजी भी लग रहा है, इसमें हर टाइप के वर्ड मैं ले रहा हूँ। जैसे वर्ड है सीएसटा। सीएसटा का मतलब होता है दो पैर की नींद या झपकी, जिसको कहते हैं नैप। नैप एक सिर्फ झपकी होती है, ये दो पैर की नींद को स्पेशल वर्ड है सीएसटा। नंबर 10, नंबर 10 है आपका प्लेबियन। आम आदमी को कहते हैं प्लेबियन। प्लेबियन का मतलब होता है आम आदमी। फिर से मैं आपका रिवाइज करवा देता हूँ। लैटिन वर्ड का मतलब आपको पता है सेवकों का दल होता है। ब्लिंक का मतलब आपको पता है क्या होता है? ब्लिंक का मतलब पलक झपकना होता है। डिस्कार्ड, इस्तेमाल करना, छोड़ देना। इम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर या असुरक्षित। अगर आपने सामने हिंदी रख लिया तो आपका फोकस ऑन पूरा हिंदी पे हो जाएगा, इंग्लिश के वर्ड आप सीख नहीं पाओगे। इसी वजह से मैं यहाँ पर क्या है कि हिंदी नहीं लिखता हूँ और आपको सीधा सिखाने की कोशिश करता हूँ। आप होप कि आई होप कि आप मेरी बात मानेंगे और आप भी इसी तरह से इनको लर्न करेंगे। आप एक बार कॉपी में लिख सकते हैं, लेकिन कॉपी के यहाँ पर लिखा तो उसके दूर कहीं जाके हिंदी लिखना, और फिर उसको पेज को फोल्ड करके चेक जरूर करना कि आपको कितना इंग्लिश ट्रांसलेशन आ रहा है। एक साइड कैसे याद करो, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, कैसे भी याद करो, आप याद कीजिए, सीधा सीधा याद हो जाएगा। आप एक या दो बार राउंड लगाएंगे, एक ही बार में सबके पीछे नहीं पढ़ना है आपको। कोशिश बस इस तरह से इस रूटीन में चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आपको सारे वर्ड याद हो जाएंगे। एमनेस्टी का मतलब सरकार द्वारा दिए जाने वाला समाधान। वेलबींग, कुशलता या कुशल मंगल। जेनरोसिटी का मतलब उदारता। सीएसटा का मतलब दो पैर की नींद। नैप का मतलब झपकी। और प्लेबियन का मतलब आम आदमी। फिर से, एमनेस्टी वर्ड का मतलब क्या होता है? समाधान। वेलबींग, कुशलता। जेनरोसिटी, उदारता। सीएसटा का मतलब दो पैर की नींद। प्लेबियन का मतलब क्या हो गया? आम आदमी। उसके बाद और नेक्स्ट जो वर्ड है नंबर 11 से, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पिजेंट। पिजेंट जो होता है, पी का मतलब क्या होता है? मटर होता है। पिजेंट, पिजेंट वर्ड का मतलब होता है किसान।
फिर वर्ड आता आपका एरिस्टोक्रेट। कुलीन वर्ग जो होता है, कुलीन सभ्य जो वर्ग होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेट। नंबर 13, एरिस्टोक्रेट मतलब कुलीन। फ्लॉट, ठीक है, FLOUT, फ्लाउट, यानी नियम आदि का उल्लंघन करने को कहते हैं, और उल्लंघन करने को, नियम आदि के उल्लंघन करने को एक वर्ड और बोलते हैं डेफाई। क्या बोलते हैं? डेफाई। नंबर 14, फ्लोरिस। फ्लोरिस वर्ड का मतलब होता है समर्थ। आप इसी तरह से अगर लगे रहते हैं, आप मेरा साथ देते हैं, इसी तरह से अगर आप लगे रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। किस चीज़ का फायदा होगा आपको? इस चीज़ का कि किस तरह से वर्ड आपके धीरे धीरे करके मैं आपको दे रहा हूँ, और आपके वर्ड पावर बहुत अच्छी हो रही है। फ्लोरिस का मतलब होता है समर्थ, समर्थ होना। आपको क्लास में काफ़ी अच्छा लगने लग जाएगा, आप बस रूटीन में बने रहिए, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। टेनासियस, जैसे जैसे आपके वर्ड सिमिलर आएंगे वापस से, टेनासियस का मतलब होता है दर्ड, मजबूत, डेटर्मिनेट, ठीक है, दर्ड मजबूत को कहते हैं। नंबर 16, नंबर 16 में है इरेसोल्यूट। इस रेसोल्यूट का मतलब होता है विचारों में दृढ़ता की कमी वाला, यानी कि विचारों में डिटर्मिनेशन की कमी होती है, वो एक प्रकार से कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहा होता है, इरेसोल्यूट होता है। उसके बाद एक वर्ड आता है आपका डिसेंट। क्या वर्ड है? डिसेंट, जिसका मतलब होता है शानदार। नंबर 18, सेडेंट्री। एक्टिव जो होता है उसको उल्टा पैसिव में, पैसिव का मतलब ही सेडेंट्री होता है। सेडेंट्री मतलब निष्क्रिय, सेडेंट्री, सैड हो गया, निष्क्रिय हो गया एक प्रकार से, ऐसे याद रख लो। ट्रैंक्वल क्या है? ट्रैंक्वल का मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत। उसके बाद वर्ड आता है रिबेलियन। रिबेलियस, रिबेलियस का मतलब होता है विद्रोही, ठीक है, जो बगावत करता हूँ, विद्रोही जो बगावत करता हूँ। अब जो है मैं जस्ट ए सेकेंड आपको एक बार रिप्लाई करवा देता हूँ। पिजेंट यानी किसान, एरिस्टोक्रेट कुलीन वर्ग सभ्य वर्ग, फ्लाउट का मतलब होता है अवहेलना करना, उल्लंघन करना, फ्लोरिस समर्थ होना, टेनासियस दर्ड्स मजबूत जिसको कहते हैं, या हड्डी भी कह सकते हैं इसको, टेनासियस। इरेजोल्यूट का मतलब क्या होता है? इरेजोल्यूट का मतलब विचारों में दृढ़ता की कमी, जो यानी कि विचार मजबूत नहीं हो जिसके। डिसेंट, डिसेंट का मतलब शानदार। क्या होता है? शानदार। सेडेंट्री का मतलब निष्क्रिय, पैसिव जिसको कहते हैं, किसको कहते हैं? पैसिव। उसके बाद है ट्रैंक्वल। ट्रैंक्वल का मतलब होता है, ठीक है, शांत। शेरेन, वर्ड सिमिलर आएंगे, शेरेन। उसके बाद है रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब होता है बगावत, विद्रोह है। तो जिस तरह से मैंने आपको ये वाले जो शब्द जो है वो मैंने करवाए हैं, पीजेंट किसान, एरिस्टोक्रेट कुलीन, फ्लॉट अवेलना करना, फ्लोरिस समर्थ होना, टेनासियस यानी दर्स मजबूत, या हम कह सकते हैं हट्टी, ठीक है, विचारों में हट्टी जो होता है वो टेनासियस होता है, रेजोल्यूट होता है विचारों में दृढ़ता की कमी वाला होता है इसका ठीक अपोजिट। डिसेंट का मतलब होता है शानदार, सेडेंट्री यानी कि निष्क्रिय, ट्रैंक्वल यानी शांत, रिबेलियन विद्रोह है बगावत। सो आई होप आपको ये 20 वर्ड्स जो मैंने दिए हैं, अभी मैं सिर्फ 20 इस तरह से सिंपल तरीके से दे रहा हूँ, SSC ने पूछे हैं वही वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ। आपको मैं एक वादा पक्का करता हूँ कि अगर आप वर्ड पावर रोजाना देखते हैं, अगर आप कहते हैं मैं रोजाना देखता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके एक एग्जैक्ट टाइम जो है डे का बता दीजिए, उस टाइम जो है आपके लिए लाइव वीडियो जो है वो मैं लेके आ जाऊँगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन या वीडियो जो भी है वो जल्दी से मिल जाए, और वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच।